प्रमोशन डिमोशन की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन उन्नाव के इन डीएसपी साहब के साथ तो गजब ही हो गया। पत्नी और आशिकी के चक्कर में ऐसा मारे जाएंगे, ये तो डीएसपी साहब ने भी नहीं सोचा होगा। पुलिस में यूपी विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक डीएसपी को सजा देते हुए सिपाही बना दिया गया है। उन्नाव जिले में तैनात रहे डीएसपी कृपा शंकर कनौजिया को 2021 में कानपुर में एक महिला सिपाही के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया था। जांच में उन्हें आचरण नियमावली का दोषी ठहराया गया, जिसके बाद उन्हें सिपाही बना दिया गया। साहब गोरखपुर स्थित पीएसी की जिस 26वीं वाहिनी में डिप्टी कमांडेंट के पद पर तैनात थे, छुट्टी लेकर कानपुर में महिला सिपाही के साथ आशिकी मिजाजी साहब को इस कदर भारी पड़ गया कि उन्होंने सोचा भी नहीं था। रंगरलिया मनाते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद हुई विभागीय जांच के नतीजे ने उन साहब को सीधे सिपाही बना दिया। बात जुलाई 2021 की है। साहब से सिपाही बने डिप्टी एसपी कृपा शंकर कनौजिया उस दौरान उन्नाव जिले की बेगापुर सर्कल में तैनात थे। ऐसे योगी महिला सिपाही के साथ उनका इश्क परवान चढ़ा। इश्क में डूबे सीओ साहब ने घर में जरूरी काम बताकर 6 जुलाई को अपने कप्तान से छुट्टी ले ली, लेकिन घर नहीं पहुंचे। घर वालों ने उनका फोन ट्राई किया, लेकिन बात नहीं हो पाई। पत्नी को अनहोनी की सोचकर घबराहट हुई तो उसने उन्नाव के एसपी से संपर्क किया। डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी की गुमशुदगी की सूचना से डिपार्टमेंट में ही चिंता बढ़ गई। बस फिर क्या था, उनकी तलाश के लिए जिले की सर्विलेंस टीम के साथ अन्य पुलिस टीमों को लगा दिया गया, और फिर जब साहब पाए गए तो सब गड़बड़ा गया। अब क्या हाल हुआ ये तो हमने आपको बता ही दिया है। खैर, इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए एबीपी लाइव।